नमः शिवाय। माघ मास मंगलवार कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 7:05 तक लगी रहेगी, तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में रात्रि 11:30 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आश्लेषा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी बुद्धदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, अत्यधिक बुद्धिमान, भ्रमणशील मानसिकता वाले, अपने ही कार्य की तरफ केंद्रित रहने वाले, हंसमुख, बातचीत करने में दूसरों की अनुकृति करने वाले, साहित्य संगीत के प्रेमी, उन्नतिशील और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, चंद्रमा और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा कर्क राशि में ही आज पूरे दिन चलते रहेंगे। आज भी चंद्रमा की युति राहु के साथ बनी रहेगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि और केतु, बुध, सूर्य की सप्तम दृष्टि भी कायम रहेगी, मगर नक्षत्र बुध का होगा, जिससे अपने बुद्धि कौशल का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में होता रहेगा। शासन सत्ता का सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे। निजी निवेश और प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत होगी और सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी। हालांकि संतान पक्ष से विचारों में विरोधाभास की संभावना बनी रहेगी और सामाजिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहेंगे। आज के दिन दिया गया ऋण या कर्ज जल्दी वापस नहीं मिल पाता है और तमाम तरीके की अड़चनें धन वापसी को लेकर हो सकती हैं। आज का राहु काल दोपहर 3:00 से 4:30 तक लगा रहेगा। इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए अथवा कोई नया प्रतिबंध नहीं शामिल करना चाहिए। मेष राशि के जातकों के व्यावसायिक स्तर और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयासों की गतिविधियां बढ़ेंगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। बौद्धिक क्षमता का विकास कार्य क्षेत्र में सहयोगी रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं, मानसिक भ्रम की स्थिति, मां के स्वास्थ्य की चिंता और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव भी संभावित है। वाद विवाद वाली स्थितियों को पैदा होने से रोकना चाहिए। हालांकि घरेलू काम संपन्न होंगे, आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, साझेदारी लाभदायक रहेगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। वृष राशि के जातकों के प्रयासों में वृद्धि होगी और ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा और व्यावसायिक गतिविधियों में उत्थान की प्रवृत्ति बनी रहेगी। निजी निवेश और प्रॉपर्टी संबंधी मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग जारी है। कुछ कामों में विभागीय कर्मचारियों के सहयोग में कमी संभावित है, मगर आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। विरोधियों से भी धन लाभ संभव है। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। विद्यार्थी सफलता के लिए प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के कार्य ऊर्जा में थोड़ी कमी और मानसिक दबाव संभावित है। आर्थिक निर्णय लेने में सावधानी रखें। हर काम करने के प्रति अनावश्यक व्यग्रता, जल्दबाजी की प्रवृत्ति के साथ मानसिक भ्रम की स्थिति भी बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव भी सामने आते रहेंगे। सकारात्मक पहल जारी रखें, आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। साझेदारी के कामों में व्यग्रता और जल्दबाजी उचित नहीं होगी। अध्ययन अध्यापन में उचित सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी, मगर पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। अत्यधिक व्यस्तता और जिम्मेदारी के साथ साथ कार्य क्षेत्र की उपलब्धि और नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होगी, मगर मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव और पारिवारिक तालमेल में कमी भी संभावित है। हालांकि सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें और वाद विवाद से दूर रहें। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। बच्चों के प्रति चिंता लगी रहेगी। विद्यार्थी शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। अपने सामान के प्रति सचेत रहें। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। पहले से चले आ रहे नकारात्मक विचारों और मानसिक दबाव से राहत मिलेगी और कार्य योजनाओं की सार्थक पहल जारी रहेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, मगर कुछ मामलों में अनावश्यक वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि से सावधानी अपेक्षित है। हालांकि वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं।
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का समय कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ और उसको विकसित करने में व्यतीत होगा। रचनात्मक पहल जारी रहेगी। कार्य योजनाओं के नए अवसर सामने आएंगे। अनावश्यक खर्च और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। साझेदारी के प्रस्तावों में मित्र व सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आर्थिक लाभ बना रहेगा। पारिवारिक और संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी। वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। तुला राशि के जातकों के लिए नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और कार्य क्षेत्र का विकास होगा। आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। सामाजिक सहयोग जारी रहेगा मगर कार्य क्षेत्र में दुविधापूर्ण स्थिति, वाद विवाद और नकारात्मक व्यक्तियों का हस्तक्षेप संभावित है। हालांकि आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे और साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण कामों में दुविधापूर्ण स्थिति बन सकती है। निर्णय लेने में सावधानी रखें। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपेक्षित हैं। अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी अपेक्षित है। मन में अंतर्द्वंद बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में स्थिरता और सरकारी सहयोग का संकेत मिलता है मगर कार्य क्षेत्र से संबंधित मानसिकता विकास के प्रति केंद्रित होगी और कुछ काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। पारिवारिक दायित्व पर खर्च का अनुमान है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थी शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। साझेदारी के मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे। साथ ही धैर्य और संयम के साथ वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। चंद्रमा आज भी आठवें चल रहे हैं। अनावश्यक यात्राएं, मानसिक तनाव और भ्रमात्मक स्थिति वाला समय संभावित है मगर कार्य क्षेत्र की संतुष्टि रहेगी और आवश्यक सहयोग बना रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग शामिल होगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। संबंधित मामलों में यात्रा का योग भी बनता है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है। सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि वाले जातकों की कार्य ऊर्जा बढ़ी रहेगी और उपलब्धियों का दौर जारी रहेगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विभागीय कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा। अपनी कार्य योजनाओं में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। अधिकारियों का दिशा निर्देश जारी रहेगा। साथ ही पारिवारिक सामंजस्य में कमी संभावित है। छोटी यात्रा या प्रवास का योग बनता है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का समय सावधानी भरा रहेगा। मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में उतार चढ़ाव संभावित है। चंद्रमा छठवें चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास आवश्यक होगा। हालांकि प्रतियोगी भावना विकसित होगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। कुछ कामों में रुकावट हो सकती है और साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी मगर सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। आर्थिक निर्णय लेने में सावधानी अपेक्षित है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मीन राशि वाले जातकों को आज भी सावधान रहना चाहिए। राहु चंद्रमा की युति पंचम भाव में बनी रहेगी। विरोधी पक्ष सक्रिय रहेंगे। किसी मामले में साजिश के शिकार हो सकते हैं। आवश्यक सावधानी बरकरार रखें मगर कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। नए प्रस्तावों के लिए आज का समय उचित होगा। आर्थिक मामलों में सहयोग संभव है मगर आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन दुविधापूर्ण रह सकता है। सफलता के लिए कोशिश करें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।